एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो है ना वो बड़ा धमाकेदार होने वाला है। मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि मेरी चैनल पे आप तरह तरह की चीजें देखोगे, ट्रैवल, डांसिंग, कुकिंग, शूटिंग और बहुत सारी चीजें। तो आज जो है वो होने जा रहा है कुकिंग। वैसे मेरे पास कोई प्रोफेशनल किचन नहीं है, बट हाँ जिस तरह से मैं खाना बनाती हूँ, जैसे आप लोग अपने घर में बनाते हो, जैसे नॉर्मल सा किचन होता है, बट मैं जो बनाने जा रही हूँ ना उसका फाइनल लुक देख के आपके मुंह में पानी ना आ जाए, ना नाम बदल देना। देखिए किचन का सारा सामान रेडी है। यहाँ पर टमाटर और प्याज और मिर्ची मैंने नहीं काटी क्योंकि मुझे आपको दिखाना था मैं कैसे काटती हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ पनीर मलाई कोफ्ता। कभी आप प्याज काटते समय रोए हो क्या? मैं तो बहुत रोई हूँ, आंखों में से पानी निकलता है। तो क्या करती हूँ, आंखें बंद करके प्याज काटती हूँ। सीरियसली अभी भी ऐसे ही काट रही हूँ। देखो कट गई और अब कट गई। यस, सो मेरे प्याज मेरे पास रेडी है और अब मैं काटूंगी टमाटर और इसके बाद मुझे काटनी है मिर्ची। और मिर्ची मैं काटूंगी कैंची से। ध्यान रखना मिर्ची ना ज्यादा आगे से मत पकड़ना, नहीं तो हाथ आपके चल जाएंगे। तो थोड़ा पीछे से मिर्ची पकड़ना है और इस तरह से इजीली मिर्ची को काटना है। मेरे पास यहाँ पर पैन है जो मैंने गर्म करके रख दिया है, उसके अंदर मुझे डालना है बटर और इसके अंदर हम डालेंगे सिनेमन, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काला मरी, लौंग और सब कुछ इसके अंदर जाएगा। डालते हैं ये लहसुन और इसमें डालते हैं ग्रीन चिली। जितना स्पाइसी आपको पसंद है उतना डालो। फिर नेक्स्ट डे आगे क्या होगा पता है? तो थोड़ा लिमिट में रखें। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा अदरक। जो ये प्याज है ना वो झल ना जाए। सबसे पहले डालते हैं नमक, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, हल्का सा जीरा पाउडर एंड थोड़ा सा गरम मसाला। ये सारे टोमेटो जाएंगे इसके अंदर लास्ट एक खाने के। जितनी प्याज है ना उससे ज्यादा टोमेटो लेना हमेशा, राइट? क्योंकि ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। अब इसके अंदर एक बहुत ही जरूरी चीज जाएगी जो है काजू बादाम। ये काजू और ये है बादाम। और फाइनली इसके अंदर पड़ेगा थोड़ा पानी। पानी डाल के इसको कर देना है। इसमें सारा जो पानी था वो सारा पानी एब्जॉर्ब हो चुका है और ये जो है इसको हमें ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसको हमें क्रश करना है। अब बनाते हैं कोफ्ता। ये है मेरे पास मैश पनीर और जितना पनीर है उतना ही मुझे बॉइल्ड पोटैटो लेना है और इस दोनों को मिक्स करना है ऐसे अंदर। और इसमें जाएगा एक स्पून ग्रीन चिली। स्पाइसीनेस होनी बहुत जरूरी है एंड अदरक की पेस्ट। तो ये मैं डालूंगी इसके अंदर। अब इसके अंदर जाएगा सॉल्ट, धनिया एंड लास्ट में जाएगा कॉर्नफ्लावर एक चम्मच, थोड़ा और क्योंकि इसको अच्छे से बांधना है और कोफ्ता बनाने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर जरूरी है। तो इसको मिक्स कर देते हैं प्रॉपर सब कुछ। देखो अच्छे से मिक्स हो चुका है ये सारा और इसके बनाएंगे हम कोफ्ते। तो इतना सा ले लो फिर उसको ऐसे ऐसे से गोल गोल। अब इसको ना ऐसे बीच में से छेद करना है थोड़ा सा ऐसा और इसके अंदर हमें माल भरना है। माल इसके अंदर में काजू भरना है। ऐसे काजू को भरना है इसको फिर वापस बंद कर देते हैं करके थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ताकि तेल में ये जो है ना वो एकदम बना रहे जॉइन होकर। रेडी हो चुके हैं। रेडी तो नहीं हुए, उसको मुझे तलना है अभी। तो तलते हैं इसको, धीमी आंच पे तलना है और एकदम गुलाबी करना है। इसको हम पकने देंगे दोनों साइड से। ये जो हमने सबसे पहले ये वाला डाला था वो एक तरह से पक चुका है तो उसको उल्टा कर लेंगे। बबल्स होते हैं ना तेल के, वो होने जब बंद हो जाए तो समझो कि तेल ठंडा हो चुका है क्योंकि ठंडे तेल में चीजें अच्छी नहीं पकती। तो उसको वापस थोड़ा तेज कर देंगे। तो मेरे कोफ्ता रेडी है, गैस बंद कर दिया है और अब बनाते हैं ग्रेवी। ये तो हमने कब से रेडी करके रखा है। ये भी बेचारा बोल रहा था आओ मुझे क्रश कर दो। तो अब इसको क्रश कर देते हैं। ठंडा हो चुका है जोर से।
बढ़िया कलर है। अब इसको हम वापस गर्म करते हैं। अब एक चीज याद रहे कि ये जो ग्रेवी है ना उसको इसमें छान के डालना है, ऐसे ही नहीं डालना है, ओके? क्योंकि हमें एकदम क्रीमी ग्रेवी चाहिए। इसमें मसाले भी है, पानी से क्या थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ओके? सो यहाँ पर सारी ग्रेवी ऑलरेडी मैंने छान ली है एंड इसमें हम थोड़ी सी शुगर भी डालेंगे। कसूरी मेथी डाल दी, अब थोड़ी सी शुगर, हल्का सा पानी हो गया। अब इसको कर देते हैं बंद। सो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जाननी है, वो क्या है? क्रीम। वाओ, क्रीम जैसे इसके अंदर गया ना उसका पूरा रंग बदल गया। क्रीम डालने के बाद ग्रेवी को ज्यादा नहीं पकाना, और हाँ ये जब ग्रेवी तैयार हो जाती है ना इसके अंदर कोफ्ता नहीं डालना, कोफ्ते को प्लेट में सजाना है और उसके ऊपर ये ग्रेवी को गार्निश करना है। इसको आप लोगों पराठे के साथ खा सकते हो, नान के साथ खा सकते हो, और घर पे जरूर बनाना। और अब इसके ऊपर जाएगा क्रीम, वही तो मजा है। यहाँ पर मेरा कोफ्ता रेडी। वाओ, सो ये है शेफ आर्यास किचन से पनीर मलाई कोफ्ता। आई होप आप सबको देखने में बहुत मजा आया होगा, पर खाने में मजा क्या है ना, मुझे ही आएगा। सो आपको भी ऐसी ऐसी बेहतरीन चीजें बनानी है घर पे, बनाइए और खाइए, क्योंकि घर के बाहर तो अभी जाना नहीं है, बीमार तो पड़ना नहीं है, घर पे ही खाना है। तो घर पे खाइए, सबको खिलाइए, और मेरा एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब माय चैनल, और नीचे छोटा बेल का आइकन है उस पर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए सब्जेक्ट के साथ। बाय।